हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वो पल आ ही गया। इसका मुझे सालों से इंतजार था। आखिर तुम्हारे साथ मेरा संपर्क हो ही गया। रुको! मेरे सवालों के जवाब दिए बिना तुम नहीं जा सकते। रुको! कौन है? कौन है बाबा? कौन हो तुम? घबराने की जरूरत नहीं है मनोज, तुमने ही हमसे संपर्क किया था। जिस काम को अंजाम देने के लिए तुमने सालों इंतजार किया, मैं उसी काम में तुम्हारी मदद करने के लिए तुम तक आया हूँ। मगर हर काम की एक कीमत होती है। तुम्हारा काम पूरा करने के लिए कीमत है मेरा एक काम, जो तुम आसानी से कर सकते हो। मंजूर है, तुम जो भी बोलोगे ना वो मैं कर दूंगा। मंजूर है, मुझे बताओ क्या करना है। 14 साल पहले तुम्हारी बहन कहाँ से गायब हुई थी? नेहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों लेके आया हूँ? तुम बताओ। क्योंकि शहर की भीड़ में ना ये खुला आसमान देखने का मौका नहीं मिलता। यहाँ इस जगह ये खुला आसमान और इसमें बिछी ये तारों की चादर, चांदनी में छिपी ये तारों की रात, और उससे भी बेहतर पता है क्या? तुम्हारा साथ। क्या बात है, आज तुम्हारा मिजाज बड़ा शायराना हो रहा है। ठीक है। वाह, कितना खूबसूरत, कितना कमाल है ना। लेकिन अर्जुन, ये है क्या? नहीं यार, लेकिन जो भी है अद्भुत है। चलो ना, चल के देखते हैं। नहीं, जाने दो ना। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे डर लग रहा है। ए, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो। पगली, ऐसे मौके ना बार बार नहीं मिलते। देखो, जो चीज कभी ना देखी हो वो देखने का मौका मिल रहा है, और डर के लिए हम सब छोड़ दें। कम ऑन, आई एम विद यू। अर्जुन, व्हाट यार, प्लीज। अरे यार, अच्छा तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं जाके देखता हूँ। नहीं 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 अर्जुन, मैं यहाँ अकेली नहीं रुकना चाहती। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो।
कौन हो तुम? क्या हो तुम? नेहा, नेहा भागो नेहा। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरी बॉडी चल चुकी, वो भी इतने समय में। जरा देखो आसपास। प्लीज शांत हो जाइए और हमें बताइए कि क्या हुआ था यहाँ पे। मैं और अर्जुन, हम यहाँ कुछ पल अकेले बिताना चाहते थे कि तभी अचानक से हमें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। हम करीब पहुंचकर कुछ समझ पाते कि अचानक से वो आगे बढ़ा और कौन था वो? आपने देखा उसे? मैंने ऐसी शक्ल पहले कभी नहीं देखी। वो जो कोई भी था वो हमारे आप जैसा नहीं था। वो बहुत डरावना था। वो इंसान नहीं था, इंसान नहीं था वो। हम लोग वहां से भागने लगे कि तभी मुझे पीछे से अर्जुन की चीख सुनाई दी। जब मैंने करीब जाके देखा तो मेरा अर्जुन मैंने तो वहां पे किसी को कुछ देखा भी नहीं, ना तो वहां पे कोई आंख थी और ना ही कोई चिंगारी। हाँ सचिन, ये देखिए सर, अजीब से पैरों के निशान, ना ही किसी जानवर के और ना ही किसी इंसान के। सही कह रहे तुम, ये पैरों के निशान किसी इंसान के तो नहीं लगते हैं। सर, सर ये देखिए, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई सामान रखा गया था। मुझे तो लगता है एलियन वाली स्पेसशिप उतरी थी यहाँ पे। स्नेहा ने यहाँ पे पिछली रात क्या देखा था ये जानना बहुत जरूरी है। आखिर है कौन वो आदमी जिसने ये सब किया है? जरा देखो आसपास। एक मिनट, एक मिनट, वहां क्या है? लगता कोई रहता है इसमें। चलो चल के देखते हैं। यहां पे जो कुछ भी हुआ होगा शायद यहां से पता चल जाए। कानपुर 2015, जोधपुर 2014, ये दूसरे ग्रहों के लोगों को देखा गया था इन जगहों पे, ऐसा दावा किया इसमें। लगता है यहाँ पे कोई किसी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है और इन मशीनों से एलियन से संपर्क करने की कोशिश। कौन है वो जो ऐसी सुनसान जगह पर एलियंस के बारे में रिसर्च कर रहा है? सर, ये एलियंस खाते क्या होंगे? आदमी तो नहीं खाते ना? यहाँ जो कोई भी रहता है उसे पता होगा कि कल यहाँ पर क्या हुआ था। आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। आप कौन? जी मैं मनोज की बीवी, जिनका ये रिसर्च सेंटर है। एक्चुअली कल उन्होंने कॉल नहीं किया रात से, तो मैं उन्हें ढूंढते हुए खुद ही यहाँ चली आई। सब ठीक तो है ना? अभी कुछ कह नहीं सकते। वैसे मनोज से आपकी बात
आखिरी बार कब हुई थी? तकरीबन कल रात 8 बजे। वो एक्चुअली मुझे हमेशा कॉल करके ही सोते हैं, लेकिन कल वो बिना कॉल किए ही। ये मनोज साइंटिस्ट है क्या? जी नहीं, वो एक मल्टीनेशनल रिसर्च कंपनी में जॉब करते हैं और वो अक्सर यहाँ आते रहते हैं। उन्हें एलियन से संपर्क करना और उन पे रिसर्च करने में काफी दिलचस्पी है। उनका मानना है कि जैसे हमारी एक दुनिया है, वैसे एलियंस की भी एक दुनिया है। अच्छा, ये बच्चों के फोटोग्राफ लगे हैं, बच्चों का और एलियन का क्या संबंध है? ये उनके बचपन की फोटोज हैं, मनोज और उनकी बहन। ये 14 साल पहले उनकी बहन कोथुवाड़ी में से गायब हो गई थी। उनका मानना है कि एलियंस ने ही उनकी बहन को किडनैप किया है। अच्छा, यहाँ पास में ही किसी का खून हुआ है, तो हमने सोचा शायद मनोज कुछ बता सकते हैं उसके बारे में। कल वो कार से आए थे, मगर अभी उनकी कार भी नहीं दिख रही है। आई होप सब ठीक हो। अब अपने गाड़ी का नंबर और पूरे डिटेल्स दीजिए, हम लोग पता कर लेंगे। पंकज सर आइए। सर पता नहीं मीडिया को कैसे पता चल गया, ये न्यूज सारी न्यूज चैनल और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे है। देखिए, अभी इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है, हो सकता है ये केवल एक अफवाह। तब तक हमारे हाथ में ठोस सबूत और तथ्य नहीं लगते। आई कांट कमेंट। थैंक यू। कुछ अजीब सी रोशनी, कुछ अजीब सा स्पेसशिप जैसा, आप इसे देवयान भी कह सकते हो या दिव्य शक्ति। ये जो भी था, इसकी खबर हम आपको देते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। ये एक्सपर्ट, ये आदमी, इसकी फोटो तो यहाँ अंदर लगी है। ये देखो, यही आदमी है, मतलब मनोज इस आदमी को जानता है, शायद इससे कुछ पता चले। रीमा, मैं आ गया हूं। रीमा, अरे भाई आखिर कौन हो तुम, कहां हो? तुमने मुझे यहीं पर बुलाया था ना? देखो मैं आ गया हूं, यहीं से सब शुरू हुआ था ना। प्लीज प्लीज मुझे बताओ करना क्या है। अरे भाई कहां हो तुम? मुझे पूरा यकीन, तुम नहीं मर सकती, नहीं मर सकती, तुम जिंदा बचोगी, पूरा यकीन। तुम चिंता मत करो, तुम्हें पक्का बचा लूंगा, जरूर बचा लूंगा मैं तुम्हें। मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? सुन रहा हूं मेरी आवाज? देखो तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, मैं वो करने के लिए तैयार हूं, पर इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे वापस दे दो। सुन रहे हो मेरी आवाज?
जी मेरा नाम रवि है, ये मेरी बेटी मल्लिका है, ये मेरा दामाद संजय है। हम सब मिलकर ही इस इंस्टीट्यूट को चलाते हैं। देखिए इन तस्वीरों को देखकर आपका अंदाजा हो जाएगा कि ईटी या एलियंस के होने के बहुत से प्रमाण मिले हैं दुनिया में, लेकिन हमेशा एलियंस के वजूद को छुपाया जाता है दुनिया से। अच्छा, पर क्यों 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 छुपाया जाता है? वैसे आपका एलियंस के बारे में जो रिसर्च है वो क्या कहता है? वो मैं आपको विजुअल्स के जरिए समझाऊंगा। बेटी जरा प्रोजेक्टर ऑन करो। ओके डैड, मैं करती। रवि जी एक बात बताइए, मनोज के साथ आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मनोज से मैं कुछ दिन पहले ही मिला था और मनोज मुझसे एलियंस के बारे में जानना चाहता था। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा कि वो क्यों जानना चाहता है तो उसने बताया कि वो बचपन में अपनी बहन के साथ कहीं हॉलीडे पे गया था और वहां अचानक उसकी बहन गायब हो गई और उसका मानना है कि उसकी बहन के गायब होने के पीछे एलियंस का हाथ है और वो हर हाल में इस बात का पता लगाना चाहता है। हेलो, हाँ, अच्छा सर, मनोज की कार का पता चल गया सर। मनोज की गाड़ी का पता चल गया। ये रही मनोज की कार सर। गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। काम करो, मनोज का फोन ट्राई करो, देखो शायद पता चल जाएगा। सर मनोज का फोन तो नहीं लग रहा है, कैसे ट्रैक करेंगे? समझ में नहीं आ रहा है ये मनोज किससे भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? हमारे पास मैप है ना इस जगह का। ये क्या है? कोटुवाड़ी। कोठुवाड़ी, ये तो वही जगह है जहां से 14 साल पहले मनोज की बहन गायब हुई थी। कोठुवाड़ी, और ये मैप मनोज के कैबिन में दीवार पर भी लगा हुआ था। हाँ सर, बहुत ही अजीब इत्तेफाक है, मनोज वापस उसी जगह आया जहां से 14 साल पहले उसकी अपनी बहन गायब हुई थी, पर सर यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। काम करते हैं, उस घर में जाकर देखते हैं। फिलहाल तो ये घर है हमारे पास, शायद हमें और भी कुछ सुराग मिल सकता है वहां पर। चलो देखते हैं। चलो, इस मनोज को किसी भी हालत में ढूंढना ही चाहिए। निखिल, मयूर, तुम लोग बाहर से देखो अच्छी तरह से। श्रेया, तुम ऊपर जाओ, ढूंढो उसे। सचिन, राइट में जाओ, मैं यहां देखता हूं। मनोज, 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 सर ये लैपटॉप यहीं पर रखा हुआ था। हाँ। ये वीडियो देखिए। कोई बचाओ मुझे प्लीज, मैं मुझे मारने की कोई भी करो। कौन ये लड़की? इस लड़की का इन सब से क्या लेना देना? सचिन, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है, वरना यहाँ इस वीडियो में क्यों? समझ में नहीं आता, यहाँ तक पहुँच गए मगर मनोज का कोई आता पता नहीं है। क्या जमीन निकल गई, आसमान खा गया? हाँ निखिल सर। हाँ सर, ये देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है अभी भी गड्ढा खोद के भरा गया है। अच्छा, तो फिर खोदो इसे।
देखो इसके अंदर क्या है। धीरे धीरे संभल के सुचेन, संभल के। संभल के। ये क्या है? मिट्टी हटाओ, हटाओ, हाथ से हटाओ। संभल के। एकदम संभल के, संभल के। ये देखिए सर, बिल्कुल प्यार से ला। एक के बाद एक क्या क्या मिल रहा है सर? वही तो समझ में नहीं आ रहा, ये है क्या? किस चीज का कंकाल है ये? सर एक गड्ढा तो अभी भी खोदा गया, इतनी जल्दी ये कंकाल आ कहां से गया? वो तो हम पता लगा ही लेंगे निखिल। पहले से जल्दी फॉरेंसिक लैब भेज दो, वहीं से पता चल जाएगा है क्या ये। अर्जुन के बारे में क्या पता चला? बस अर्जुन की बॉडी बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर की वजह से कल भर नहीं जल रही। कमाल की बात, लोग इश्क में चांद तारे तोड़कर लाने की बात करते हैं, ये बेचारा तो सूरज हाथ में लेकर के चला आया और पलभर में खत्म। सर नेहा ने भी बिल्कुल यही बताया था, जो कुछ भी हुआ कुछ ही पलों में हो गए। लेकिन किसी भी ह्यूमन बॉडी को जल के राख होने में इतना कम समय नहीं लगता। और हैरानी की बात यह है बॉस, ये जो राख है इसमें किसी भी ऐसी चीज के कोई ट्रेसेस नहीं मिले जिससे पता लगे कि किसी चीज से जलाया गया, जैसे कोई पेट्रोल डीजल वगैरह कुछ नहीं। और हाँ, पल भर में इसका जल जाना ये साबित करता है कि कम से कम 1000 डिग्री टेम्परेचर पे जला होगा। तो सारुंखे, जंगल में ऐसी चीज होना तो नामुमकिन है यार। वो सिर्फ एक तरीके से पॉसिबल है, अगर इसे हाई पावर्ड लेजर बीम से जलाया गया। हाई पावर लेजर बीम? सर ये क्या होता है? ये लेजर बीम दरअसल वैज्ञानिक अपने रिसर्च में इस्तेमाल करते, खास तौर पर फिजिसिस्ट। हाई लेजर बीम, हाई लेजर बीम। पता लगाना पड़ेगा ऐसी कोई मशीन है क्या। निखिल सो, ये तुम्हारा काम है। सो सड़के, इस कंकाल के बारे में क्या पता चला? बस इस कंकाल के बारे में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली है। वो क्या? वो ये कि ये कंकाल ना तो किसी इंसान से मैच करता है ना किसी जानवर से मैच करता है। सर इसकी डीएनए रिपोर्ट आनी बाकी है अभी। बड़ी अजीब बात है, ना किसी जानवर से मैच करता है ना किसी इंसान से मैच करता है, तो फिर यह है क्या कोई एलियन दूसरे ग्रह से आया हुआ? मनोज आलिखिल, लेजर के बारे में क्या पता चला? सर मैंने सारे फिजिसिस्ट से बात की लेकिन उनका कहना है कि हमारे देश में इतने हाई पावर का लेजर मशीन है ही नहीं। यहां तक कि किसी ने अब तक ऐसी कोई लेजर मशीन बनाई नहीं जिससे कि इतना ज्यादा टेम्परेचर पैदा किया जा सके। फिर भी ऐसा खतरनाक लेजर मशीन इस खूनी के पास, समझ में नहीं आता ये कैसे और कहां से आया इसके पास। कोई बात, उस लड़की का फुटेज देखते हैं, जरा दिखा। मुझे निकाल ले, प्लीज, कोई नहीं निकाल ले, मुझे मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, प्लीज,
श्रेया पॉज करो, यहीं पर जूम करो। श्रेया जरा शार्प करने की कोशिश करो इमेज। ये देखो खिड़की के बाहर कुछ तो है ना, एक बैनर जैसे लगता है मुझे। पॉप एंड सिप? सर ये तो बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है संजीव नगर में। पॉप एंड सिप रेस्टोरेंट संजीव नगर? फिर जरूर इस लड़की को उसी रेस्टोरेंट के आसपास छुपा के रखा है, कैद करके रखा है। सर ये है वो रेस्टोरेंट पॉप एंड सिप। हाँ पॉप एंड सिप। वो देखो पूरा घर, उस खिड़की में से ये पॉप एंड सिप का बोर्ड हमें वीडियो में दिख रहा था, वही है वो। चलो चलकर देखते हैं। लगता है ये काफी सालों से बंद पड़ी है जगह। ये कौन है? कौन हो तुम बेटा? मुझे मार डाली। कोई नहीं, नहीं मुझे बचाओ, मुझे मार डाली। कोई नहीं मारेगा तुम्हें, कोई नहीं मारेगा। कौन हो तुम बेटा बताओ? वो मुझे मार देंगे मुझे। कोई नहीं मारेगा, मुझे यहाँ से निकाल। कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। घबराओ, कुछ नहीं होगा। तुम कौन हो? तुम है कौन? ये सर कहीं ये मनोज की बहन तो नहीं जिसे 14 सालों से वो तलाश कर रहा था? हाँ हो सकता है। ये देखो इसके सिर पर भी वैसा ही निशान है जैसा तस्वीर में मनोज की बहन के सिर पर था, जो 14 साल से गायब है। और शायद उसी कारण मनोज एलियंस के बारे में रिसर्च करने लगा है। बेटा घबराओ मत, मैं कोई कुछ नहीं करेगा, हम लोग है ना, घबराओ मत। मुझे मार देंगे, कोई नहीं मुझे मार देंगे। वो कोई नहीं सर, ये तो बहुत खतरा रही है, इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। आ जाओ मुझे मार डालेंगे। तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं प्लीज। मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे मनोज तुम कितने दिनों से ऑफिस भी नहीं आए? न्यूज में देखा तो पता चला कि तुम कहीं गायब हो गए हो, है क्या ये सब? रणजीत मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। मदद? कैसी मदद? देखो वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बस अभी के लिए बिना कोई सवाल किए जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं ना, प्लीज वो तुम करो। सॉरी मनोज, तुम पुलिस से भागे हुए, ऐसे में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। रणजीत, जितनी शांति से मैं तुमसे ये कह रहा हूं ना, उतनी शांति से तुम ये करो, यही तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे परिवार के लिए भी। धमकी दे रहे हो? मुझे धमकी दे रहे हो? खैरो मैं अभी पुलिस में फोन करता हूँ। क्या हुआ भैया? ऊपर कोई है रणजीत, ऊपर कोई है।
रणजीत, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। या तो मेरी बात प्यार से मान लो, फिर अपने परिवार को आखिरी बार देख लो। आखिरी फैसला तुम्हारा है। हा? क्या नाम है तुम्हारा? बेटा क्या नाम है तुम्हारा? रीमा। रीमा, मुझे स्पेस में ले जाया गया था, आकाश में। वहां मेरे आसपास बहुत भयानक जानवर जैसे लोग थे। मुझे वहां चेंबर में बंद कर दिया गया था। रीमा, तुम हमें एक बंद घर में मिली थी। तुम्हें कुछ याद है तुम वहां कैसे पहुंची? रीमा याद करो। चेंबर में, आकाश में मुझे नींद आ गई थी और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। क्या ये चक्कर क्या है? सर, इसके बर्ताव और बात करने के ढंग को देखकर ऐसा लगता है कि शायद किसी ने इसे हिप्नोटाइज किया है। ओह, अगर ये झूठ बोल रही है तो फिर इसे कमरे में बंद करके किसने रखा होगा? एक बात पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस की क्या नहीं, मगर जैसे ये मयूर की रिंगटोन बजी ना, वो जो गाना है, उस गाने पे इस लड़की के, रीमा के पैर थिरकने लगे थे, टप 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 टप। लगता है ये वो गाना जानती है। पर ये कैसे हो सकता है जबकि उसके कहने के मुताबिक ये बचपन से स्पेस में ही थी? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लगता है ये रीमा नाटक कर रही है मनोज की बहन होने का, नाटक कर रही है। रीमा, कुछ याद आता है तुम्हें? किसने बंद करके रखा तुम्हें? रीमा, तुम्हारे आसपास जो लोग थे, तुमने उनकी कोई बातें सुनी? अच्छा, ऐसा कुछ भी याद आता हो जो अलग सा हो, कोई आवाज वगैरह? हाँ, एक आदमी था जिसकी आवाज बहुत भारी थी, वो वहां पर अक्सर आता था। कौन था वो आदमी, भारी आवाज वाला? क्या बातें करता था वो? किसके साथ बातें करता था? कैसी बातें करता था? कुछ याद है तुम्हें? हाँ, वो किसी ऑफिस के बारे में बात करता था। ऑफिस के बारे में? ऑफिस के बारे में? काम करते हैं, पता लगाते हैं मनोज किस ऑफिस में काम करता है। देखो मनोज, अभी भी वक्त है, रुक जाओ, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। रणजीत, तुम चुपचाप पासवर्ड टाइप करो, हमारे पास वक्त कम है। और तुम परिणाम की नहीं, अपने परिवार की चिंता करो। यही है वो बॉक्स। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मनोज कि तुम ये क्यों कर रहे। देखो, ये टॉप सीक्रेट है,
अगर किन्हीं गलत हाथों में पड़ गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मनोज प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। मैं ये सब अपनी बहन को बचाने के लिए कर रहा हूँ, जैसे तुम अपने परिवार को बचाने के लिए कर रहे हो। मैं उसे पाकर दोबारा नहीं खो सकता। मुझे जल्द से जल्द ये बॉक्स वहां पर पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग धरती छोड़कर चले जाएंगे। थैंक यू सो मच इसे देने के लिए। मैं तुम्हें तकलीफ देने के लिए आई एम वेरी सॉरी। एक्सक्यूज मी, ये मनोज इसी ऑफिस में काम करते हैं? मनोज, मनोज रुको, मनोज, अरे रुक जाओ, अरे भागो मत, अरे सुनो, बॉस का अलार्म है, रुक जाओ, भाई साहब कह रहा हूँ, रुक जाओ, अरे रेखा रुको, रुको भागो मत, ये अलार्म कैसा? सर ये फॉल्स अलार्म है। क्या फॉल्स अलार्म है? हाँ सर, उसने एलियन के जरिए मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी, इसलिए सॉरी सर मुझे ऐसा करना पड़ा। क्या था क्या उस बॉक्स में? हमारी बरसों की रिसर्च, अगर सही हाथों में जाए तो इंसान की भलाई होगी और अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो इंसान की तबाही। उस रिसर्च का प्रोटोटाइप था उस बॉक्स में। ये मनोज कहाँ होगा, कुछ बताया उसने कहाँ जा रहा है? सर इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं बताया उसने। इसके पहले कुछ अनहोनी हो जाए उसे पकड़ना ही होगा। वो जरूर उस एलियन जैसे दिखने वाले को कॉन्टेक्ट करेगा, फिर तो वो जंगल जाएगा जहाँ उसने अपना रिसर्च सेंटर बना रखा है। देखो तुमने जैसा कहा था, जो कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब तो मेरी बहन को छोड़ दो प्लीज। तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया मनोज, अब तो तुम्हें इसका इनाम मिलना ही चाहिए। नहीं देखो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस बस मेरी बहन दे दो बस। तो जाओ मिलो अपनी बहन से, यहाँ नहीं ऊपर। नहीं 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 नहीं, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तुम जैसे बेवकूफ के साथ मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रिमोट ऑपरेटेड, इसको ऑपरेट करने वाला भी यहीं कहीं आसपास होगा। देखो जरा, ये तो मल्लिका और संजीव है, रवि जी की बेटी दामाद। ये मेरी बेटी मल्लिका और ये मेरे दामाद संजय। वैसे तुझ जैसे इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और तूने ये साबित कर दिया। अब फटाफट मुंह खोल, क्यों किया तूने ऐसा? मैंने और संजय ने मिलकर एक फिल्म बनाई थी अंतरिक्ष और एलियंस पर। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमने सोचा एलियंस की कहानी पे यकीन करने के बाद लोगों में हमारी फिल्म की बहुत पब्लिसिटी हो जाएगी और हमारी फिल्म हाथों हाथ बिक जाएगी और हम
डर से भी मुक्त हो जाएंगे और इससे हम आगे और भी फिल्में बना पाएंगे। पर इसमें ये मनोज और उसकी बहन का क्या चक्कर था? मनोज और उसकी बहन रीमा के हादसे के बारे में हमें पता था, तो भावुक करके उसे उसकी बहन के नाम पर हम उसे आराम से बेवकूफ बना सकते थे और उसी की मदद से हमें टॉप सीक्रेट प्रोटोटाइप हासिल कर लेते और जिसके लिए हमारे पास विदेशी खरीदार भी था। रोबोट और सारी मशीन हमने फिल्म के लिए बाहर से ही मंगवाई थी। हमने सोचा कि उसका इस्तेमाल करके मनोज के जरिए हम अपना प्लान कामयाब कर सकते हैं। और अर्जुन, उसको क्यों मारा तुम लोगों ने? हम अर्जुन को मारना नहीं चाहते थे। मारना नहीं चाहते थे इसीलिए इतने बेरे में से जला के मार डाला उसे। संजय एक फिजिसिस्ट है, इन्होंने एक ऐसा हाई पावर लेजर डेवलप किया था जिसके बारे में लोगों को यकीन कराना जरूरी था। और अर्जुन इत्तेफाक से मरा था, हम उसे जानबूझ के नहीं मारा है, नहीं मारा है। एक तरफ हमारे साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करके इंसान को बचाने में जुटे हुए और दूसरी तरफ तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए इंसान और इंसानियत का नाश कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। जो दिमाग समाज की भलाई लोगों के मनोरंजन के लिए लगाना चाहिए था उसका इस्तेमाल ऐसे घिनौना काम में कर दिया तुम लोगों ने। और हाँ, तुम लोग ये बात भूल गए कि सिर्फ फिल्मों में नहीं असलियत में भी अंत में जीत सच्चाई की होती है। अब जेल जाओ और अपने गुनाहों की कहानी जरा आराम से लिखना। लंबा समय काटने के लिए तुम्हारे पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि तुम लोग जेल तो जाओगे, कभी वापस नहीं आओगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।